Range. Nice. Up. Push. Four. One more. One more. Easy. All you. Push. Up. Push. Come on. Easy. Oh, that's fine. मैंने कैमरा यहाँ पे अटका दिया है। आई होप ये चलते चलते गिरे ना। एनीवेज हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे रुक के बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने वर्कआउट से पहले आज अच्छे से फोम रोलिंग करके लिए, अपने पैरों का अच्छे से मसाज करके लिया है। क्योंकि मेरी लोअर बॉडी जो है वो काइंड ऑफ टाइट है अपर बॉडी से कंपेयर करेंगे तो इसीलिए हमेशा मैं लेग्स वर्कआउट करने से पहले या फिर कोई भी लोअर बॉडी एक्टिविटी करने से पहले मैं फोम रोलिंग करके लेता हूँ। और फोम रोलिंग मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज या फिर ऑप्शन टू रिलीज योर टाइट मसल्स। वो आपके टिश्यू की इलास्टिसिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, प्लस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने, मतलब वो एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, और साथ में अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन है, मसल सोरनेस है, उसको भी ठीक करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मेक श्योर इन केस अगर आपके भी मसल्स टाइट है, आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रही है, फोम रोलिंग ट्राई करें। इन केस अगर आपको फोम रोलर बाय करना रहेगा तो मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ऑब्वियसली ये अमेजोन एफिलिएट की लिंक है, आप लोग अगर बाय करते हो तो मेरे को एक छोटा सा कमीशन मिलेगा। आपको यहाँ से बाय करना, यहाँ से भी बाय कर सकते हो, डायरेक्टली आप लोग अमेजोन से जाके भी बाय कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। तो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपने लेग्स को और साथ में एब्स को। एब्स मैंने परसों भी किए थे, तो अभी मेरा गोल है, मतलब मैंने सोचा ऐसे कि हर अल्टरनेट डे मैं एब्स को ट्रेन करूँगा, क्योंकि मेरे लोअर एब्स जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है कंपेयर टू मेरे अपर जो चार एब्स है। वो मेरे चार एब्स काफ़ी अच्छे डेवलप्ड है, फैट परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोअर एब्स से उठकर दिखते हैं। और अभी तक कैमरा वापस से हिला नहीं है, बहुत आराम से चला रहा हूँ मैं, बहुत आराम से। एक भी ऐसे टर्न लूँगा ना, ख़त्म। माल बना रहे हैं, माल हमारा नशा, बहुत ही ज़्यादा महंगा माल है ये। आई काइंड ऑफ ड्रग्स, यस, यही हमारा नशा है। तो गाइस यूजुअली आप लोगों ने देखा रहेगा, लोग ज़्यादा करके लेग्स डे के दिन स्क्वाट से स्टार्ट करते या फिर कोई कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट करते, लेकिन मैं आप लोगों को आज कुछ अलग बताने वाला हूँ। मैं अभी एक आइसोलेशन मूवमेंट से स्टार्ट करने वाला हूँ, ये है लेग एक्सटेंशन। आप लोगों को पता रहेगा, आप लोगों के जिम में ये मशीन रहेगा। आइसोलेशन मूवमेंट से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि जब आप आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म करते हो वर्कआउट के स्टार्ट में, तब आपके मसल के एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, तो मसल आपका ओपन होता है। तो इसके बाद जब आप कंपाउंड मूवमेंट करोगे, फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स करोगे या लेग प्रेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो, तो आपका जो मसल एक्टिवेशन है वो बढ़ जाता है और मसल पे ज़्यादा, मतलब इन शॉर्ट बोलने जाओ तो मसल आपका ओपन हो जाता है, अच्छे से वार्मअप हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करो ये चीज़, कंपाउंड मूवमेंट करने से पहले एक बार आइसोलेशन, कोई भी आइसोलेशन मूवमेंट आप लोग कर सकते हो, ताकि आपका जो मसल है वो अच्छे से वार्मअप हो जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये मसल वार्मअप की वजह से क्या आप हैवी भी लिफ्ट कर पा रहे हो? यस, हैवी लिफ्ट करने में भी हेल्प हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जॉइंट्स बेटर वार्मअप है, आपकी जॉइंट मोबिलिटी भी थोड़ी सी वार्मअप हो जाती है, अच्छे से जॉइंट्स भी अच्छे खासे वार्मअप हो जाते हैं। तो आई गेस ये भी होता होगा कि लाइक बिकॉज आप इतने वार्मअप हो तो फर्स्ट सेट से ही थोड़ा सा मीडियम हैवी टाइप जा सकते हो। यस, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एकदम लाइट वेट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आपके मसल्स जो है वो वार्मड अप है ना, तब आप आसानी से थोड़ा हैवी लिफ्ट कर सकते हो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो हैवी लिफ्टिंग से। सो अभी स्टार्ट करते हैं, इसके लगभग मैं 3 से 4 सेट करूँगा और 15 to 8 रेपिटेशन तक जाऊँगा। एकदम ही स्लो करना है आपको, कंट्रोल के साथ में जो कॉन्ट्रैक्शन आता है मसल पे वो फील करो। सो इट्स डन विद द आइसोलेशन। अभी हम लोग स्क्वाट्स कर रहे हैं,
ये हमारा पहला कंपाउंड मूवमेंट रहेगा लेग्स वर्कआउट के लिए, और अभी आइसोलेशन मूवमेंट की वजह से मेरे जो कॉर्ड्स हैं वो अच्छे खासे वार्म्ड अप हो गए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा खासा वहाँ पे आ गया है, तो अभी मैं रेडी हूँ एक कंपाउंड मूवमेंट करने के लिए। और स्क्वाट्स के लगभग मैं 4 सेट करूँगा, उसके भी मैंने 4 सेट किए थे। इसका रेपिटेशन जो रहेगा वो लगभग 12 to 8, मतलब 8 to 12, मैं हमेशा उल्टा और सीधा बोलता, ठीक है आप लोगों को समझ गया ना। मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो इजी तो 1 push 2। इजीली गया क्या ये? हाँ, इजीली गया। ब्लड सर्कुलेशन सब यस बढ़ने की वजह से, आइसोलेशन मूवमेंट करने की वजह से अच्छी तरह से लेग्स मेरे वार्म्ड अप थे यहाँ पे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 40 kg से स्टार्ट किया। तो यूजुअली मैं 20 kg से स्टार्ट करता हूँ। 12 reps ना? यस 12 reps। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left. Let's go. Come on, easy. चलो चलो चलो, एक नंबर पुश अप, 1 2 9। कमॉन कमॉन, पहले हिप नहीं, पुश, या इजी यार, बहुत सही, इजी 10 reps। सेकेंड वर्किंग सेट था, नहीं इसमें सब वर्किंग सेट ही है, इसके पहले 12 10 10, अभी इसमें बढ़ा के 8 8 reps. 3 Z. Easy. Lift. Come on. What's a lift? Chalo. Feet tight. Easy. Go. Push. One. Easy. Clean reps. 2. 2. Easy. Push. Up. 3. 3. No support. Let's go. No support. It's all you. Push. 4. All you. Easy. Push. 5. All you. Still 6 still you. Easy, come on. It's all you. Push. Up. 7. 7. Last one. Come on. Easy. All you. Push. Push. 8. Yes. Easy nahi tha. 7 reps mere ko lagta hai easy the. Iske baad 8 wala repetition tha, usme maine struggle kiya. Aur ek 20. Yes. 120 kg. For some extra safety. मतलब यश भाई इतना हैवी मार रहे हैं, इतना हैवी मार रही है, जिम के वेट्स खत्म हो गए हैं अभी। आधा एनर्जी तो इसमें वेस्ट हो जाता है, वेट ढूंढने के चक्कर में, उसको लोड करने के चक्कर में, अनलोडिंग करने के चक्कर में। तो अब ये लोड हो गया है 60 ऑन वन साइड एंड 60 ऑन द अदर, 120 kg। यस। सो आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो या फिर लास्ट वीक से फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट, तो आप लोगों ने देखा रहेगा लास्ट वीक जब मैंने स्क्वाट्स किया था तब मैंने 100 kg के लगभग 4 to 5 reps किए थे। बट आई गेस वो बहुत स्ट्रगल था, थोड़ा काइंड ऑफ स्ट्रगल था, इतना ज़्यादा क्लीन नहीं था। लेकिन आप लोगों ने इसके पहले देखा मैंने 100 kg का 7 reps आई गेस आसानी से कर लिया। अभी ये क्यों किया? क्योंकि अभी मैं लास्ट वीक से अपने काप लोडिंग पे, काप टाइमिंग पे ध्यान दे रहा हूँ कि कब काप लोड करना है, कब काप एलिमिनेट करना है, कितना खाना है, क्या खाना है। आप लोगों ने देखा रहेगा मैं राइस की क्वान्टिटी जो है उसको बढ़ा दिया हूँ, अपना रेस्ट पीरियड भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया हूँ। तो इसीलिए वो सारा जो भी मैं घर पे कर रहा हूँ वो असर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन आपका सबसे पहले आता है,
अगर आपका न्यूट्रिशन सही है तो आपको ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आपको जिम में परफॉर्मेंस अच्छे से दिखेगा, जिम में परफॉर्मेंस, बाकी का मैं जिम की बात करूँ. सो स्टार्ट कर रहे हो 120 kgs. अभी मैं ईशान भाई को फिर भी बोलूँगा कि पीछे खड़े रहो, कॉन्फिडेंस है मेरे को पूरा अपने अपने आप पे, लेकिन फिर भी. और इसके मैं लगभग ट्राई करूँगा क्लीन 4 reps, 4 to 5 reps. तो 100 अगर इजी 8 गया है तो आराम से 4 जा सकता है, 4 to 5 जा ही सकता है एक अच्छे फॉर्म के, सेफ्टी के लिए तो ये है ही. यस, तो कुछ टेंशन है और पीछे ईशान भाई भी रहेंगे. अभी ज्यादा बातें नहीं करते, लेट्स गेट इन टू इट. 4 to 5 reps, 1.1, 2, 3, go up, easy, 1, 2, push, 1, all you, good rep, good rep, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
All you. Push. Up. Push. Come on. कैसा था? मैं तो नोटिस. All you. All you. हाँ तो सिर्फ लास्ट केस में काफी था सपोर्ट लाइक लिफ्ट करते टाइम काइंड ऑफ थोड़ा सा डेप्थ मेरा कम था और वेट भी थोड़ा हैवी था तो इसकी वजह से थोड़ा सा डेप्थ में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया लेकिन नेक्स्ट टाइम जब करूँगा तो ध्यान दूंगा कि इसके 4 रेप अच्छे से जाए लेकिन प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे धीरे धीरे सो आई एम हैप्पी. सो गाइस थर्ड वेरिएशन हम लोग करेंगे हार्ड स्क्वाट. ये मैंने लास्ट अपने लेग सेशन से करना स्टार्ट किया है और ईशान भाई बोल रहे थे 60 kg डाल दे लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप पे क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने स्टार्ट किया करना क्योंकि फॉर्म तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है. सो लेट्स सी ये मेजरली ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग फोकस होता है इसके भी लगभग 3 सेट करेंगे और 8 to 12 रेप्स. यहाँ पे पकड़ेगा ना. हाँ तो इससे आपको भी पता चल गया रहेगा कि सेकेंड टाइम ही करूँगा. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not real. कितना मारा? 15 रेप इसके साथ में. इस पे मेरा मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है और ये सेम वेरिएशन में मेरा मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा वीक है. इसके पहले हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये जो मशीन है इस पे मेरा मसल माइंड कनेक्शन बहुत वीक है. अभी डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे करके. अपने को ऐसा नहीं लगता अपन मसल माइंड कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते बट है वो है साइंस. अभी आप देख लो यश भाई ने वहाँ पे 120 kg 5 रेप्स कितना क्लीन मारा. ठीक है क्योंकि इतने टाइम से कर रहे हैं इतने सालों से स्क्वाट्स मार रहे हैं. यहाँ पे मेरे माइंड को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या करना है. सेकंड टाइम ट्रेन करे अभी मेरा इसमें क्यों कनेक्शन अच्छा है. कनेक्शन 5G कनेक्शन बट है जो है सो है वो इसीलिए क्योंकि जब मुझे इंजरी हुआ था तो मैंने ये बहुत यूज़ किया था. सो मेरा एक बैठ गया है मतलब कि कनेक्शन बैठ गया है. हाँ बराबर ना गाड़ी चलाने जैसा है. हाँ, गाड़ी कि एक तुमको पता है कि एक RPM पे तुम कितना गियर से खींच सकते हो. यू नी गॉट टू चेंज द गियर तो वही है. जब नया गाड़ी यूज़ करोगे तो उसका RPM अलग उसका पावर अलग सब अलग पिकअप अलग ब्रेकिंग सिस्टम अलग तो तुमको बहुत सही एग्जांपल दिया. बहुत सही एग्जांपल दिया. जब तुम्हारी गाड़ी होती तो यू आर वेरी यूज्ड टू इट. आप कितना भी भगा सकते हो उसको. भगाओ मत लाइफ से जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बहुत सही एग्जांपल दिया. अभी तो इसी के साथ नेक्स्ट वेरिएशन पे जाते हैं. ये जिम कर रहे हैं सोने आए हैं कौन बता सकता है. वेकेशन जिम
मसल माइंड स्ट्रॉन्ग है मेरा एक्चुअली. ये सेकंड होम इनका है, ये दिख रहा है ना, इसको एक्चुअली सेकंड होम बोलते हैं इन ट्रू वर्ड्स. वेट थोड़ा. तो आज का हमारा लास्ट वेरिएशन जो कि रहेगा काफ फ्रेजेस स्टैंडिंग. यूजुअली मैं स्मिथ मशीन पे करता हूँ, लेकिन स्मिथ मशीन अभी बिजी है. तो आप क्या यूज कर रहे हो अभी? अभी मैं स्टेप अप उसके साथ में वेट्स 20 kg. और यहाँ पे एक ही डिस्ट्रक्शन है, आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है. स्मिथ मशीन पे बैलेंस करने का नहीं रहता तो मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा अच्छा मेंटेन रहता है. लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे 5G कनेक्शन बना रहे हैं. हिला मत, एल्बो को बस स्प्रेड करने की कोशिश कर. आराम से लास्ट. चल 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 हो जाएगा. पांच यू गॉट दिस ईशान, यू गॉट दिस. कुछ नहीं है उसके बाद. बस 4 मिनट. मेरा नया पीआर 3 मिनट 30 सेकंड्स, इनका 4 मिनट. 4 मिनट. यस. अगर आपको टाइम का वैल्यू नहीं है, प्लान कर लो. टाइम का वैल्यू बहुत वैल्यू आ जाएगा. टाइम पूरा शोल्डर गया पूरा. टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे. बहुत भारी है. उतना जो काफी अच्छा गया है. यस 2 मिनट तक खींचा ना. क्या क्या इनको चीट मील देना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता देना. फॉर द एफर्ट. यस भाई को कमेंट बॉक्स में बता देना तो इनको चीट मील देंगे. आप लोग मैक्सिमम कमेंट करोगे कि इनको चीट मील मिलना चाहिए तो इनको चीट मील दिया जाएगा, वरना और 1 महीना रुका जाएगा. अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं. और घर पे मैं लगभग 4:30 के आसपास आया था. और आने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं था कुछ बात करने का, इसीलिए मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किए. सबसे पहले आते साथ ही मैंने अपना प्रोटीन शेक पिया, बनाना खाया. उसके बाद में मैंने अपना लंच रेडी किया जिसमें बहुत सारा कार्ब्स था, यानी कि वाइट राइस, साथ में चिकन और थोड़ी बहुत मम्मी जो सब्जी बनाई थी वो मैंने उसके साथ में मिक्स कर दिया फाइबर के लिए. और उसके बाद मैं गौरांश का जो बर्थडे वाला व्लॉग था वो एडिट करने के लिए बैठ गया. बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और फिर भी लाइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है कैमरा में. और मैं क्या बोल रहा था कि अभी आज का व्लॉग मेरे को ऐसा लगता है कि एंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया रहेगा और मैं नहीं चाहता कि व्लॉग्स एकदम ज़्यादा लंबा हो. आगे जब चैनल तब थोड़ा बहुत ग्रो हो जाएगा उसके बाद डालने की कोशिश करूँगा बड़े व्लॉग्स. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को इंस्टाग्राम के लिए कॉन्टेंट बनाना है और जो आज का व्लॉग है वो भी एडिट करना है, तो बहुत सारे काम है. ये व्लॉग यही पेंड करते हैं. थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए. अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो पसंद आता है, इतना सा भी कुछ सीखने मिला रहेगा, वो लाइक बटन दबा दो. उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना. फिर उसके बाजू में सब्सक्राइब बटन होता है वो भी सब्सक्राइब भी कर लेना. और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ आप लोग मिस ना करो. आप लोग से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान देना. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.